नन्ही चिड़िया की कहानी। बच्चों, मैं आज आप सबको एक नन्ही चिड़िया की कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जिसमें हर तरह के छोटे बड़े जानवर और पक्षियों का बसेरा था। उसी जंगल के एक पेड़ पर घोंसला बनाकर एक नन्ही चिड़िया भी रहा करती थी। एक दिन उस जंगल में आग लग गई। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। नन्ही चिड़िया जिस पेड़ पर रहा करती थी वहां भी आग के चपेट में आ गया। उसे भी अपना घोंसला छोड़ना पड़ा, लेकिन वह जंगल की आग देखकर घबराई नहीं। वह तुरंत नदी के पास गई और अपनी चोंच में पानी भरकर जंगल की ओर लौटी। चोंच में भरा पानी आग में छिड़क कर वह फिर नदी की ओर गई। इस तरह से अपनी चोंच में पानी भरकर बार बार वह जंगल की आग में डालने लगी। जब बाकी जानवरों ने उसे देखा तो हंसने लगे और बोले, अरे चिड़िया रानी, ये क्या कर रही हो? चोंच भर पानी से जंगल की आग बुझा रही हो? मूर्खता छोड़ो और प्राण बचाकर भागो। जंगल की आग ऐसे नहीं बुझेगी। उनकी बातें सुनकर नन्ही चिड़िया बोली, तुम लोगों को भागना है तो भागो, मैं नहीं भागूंगी। ये जंगल मेरा घर है और मैं अपने घर की रक्षा के लिए अपना पूरा प्रयास करूंगी। फिर कोई मेरा साथ दे या ना दे। चिड़िया की बात सुनकर सभी जानवरों के सिर शर्म से झुक गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सबने नन्ही चिड़िया से क्षमा मांगी और फिर उसके साथ जंगल की आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। उसके बाद उनकी मेहनत रंग लाई और जंगल में लगी आग बुझ गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि विपत्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बिना प्रयास के कभी हार नहीं मानना चाहिए।